पाकिस्तान की बैटिंग ने आज जिस तरीके से जवाब दिया है, भले ही विकेट गिर गए जी, बैकआउट शकील और सलमान आगा की बैटिंग, ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई। जबरदस्त बल्लेबाजी करी है और सब देखना है आज। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट पर यह देखना है ना कि पाकिस्तान ने बैटिंग कैसे की है, तो आपको सिर्फ 46 ओवर के गेम में दो मेडन ओवर नजर आएंगे। आप मुझे बता दो आखिरी बार पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कब हुआ था कि पाकिस्तान के बल्लेबाज हर ओवर में रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश। कमबैक भैया, कमबैक भी क्या कहूं, आपने इस तरीके के काउंटर अटैक कराया वहां पर, शॉट शकील एंड सलमान अली आगा, अभी हमने ये दोनों बैटर्स पूरी तरह से केपेबल है कि आप काउंटर अटैक कर सकते हैं। भैया पाकिस्तान के अगर अप्रोच की बात भी करी जाए, आज की है 4.91 की उनकी रन रेट है वहां पर, और 5 तक का भी ले आए थे जैसे मैं आपको भी बता रहा था 34। सीधे तौर पर अगर आप ये देखोगे पाकिस्तान, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि जब पहली बार बाबर आजम से इस चीज के बारे में पूछा जाता है, भाई क्या आप बैसबॉल वाले स्टाइल में खेलना चाहते हो, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा हमारा अपना तरीका होगा। लेकिन आज आप देखो, शान मसूद के बारे में आपने बताया जी, ठीक है, बाबर आजम दूसरी बॉल पे आगे बढ़ गया था आज, सरफराज लगातार चौके वौके मार ही रहा था, इसके अलावा शाउद शकील और सलमान आगा की बैटिंग, ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई। जबरदस्त बल्लेबाजी करी है और सबसे बड़ी बात जो इंटेंट, मतलब एक रिफ्रेशिंग चीज दिख रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, सबसे बड़ी बात है इस सीरीज के आगाज से, शुरुआत में लगा कल चीजें लगी, अभी मैंने देख लो 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी है और इंटेंट पे पार्टनरशिप आई। अगर आप श्रीलंका की गेंदबाजी का टेबल देखोगे ना, और ये टीम आपकी 101 पर 5 थी जब आप मान के चल रहे थे, एक विकेट इधर उधर और श्रीलंका पूरा आप पर हावी हो जाएगा। लेकिन आज अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट पर ये देखना है ना कि पाकिस्तान ने बैटिंग कैसे की है, तो आप श्रीलंकन बोलर्स का जो प्ले कार्ड होता है ना, क्या कहते हैं उसे, बोलिंग कार्ड जो होता है, उसे उठाकर देखो, आपको सिर्फ 46 ओवर के गेम में दो मेडन ओवर नजर आएंगे। आप मुझे बता दो आखिरी बार पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कब हुआ था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने मेडन ओवर नहीं खेले और पाकिस्तान के बल्लेबाज हर ओवर में रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको बताता है कि पाकिस्तान ने भले ही उस दिन बाबर आजम ने मना कर दिया, लेकिन एक इंटेंट है जो उनकी बैटिंग में आपको नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक आपको न्यू पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, वही कह रहा हूं, दिस इज क्वाइट रिफ्रेशिंग। लेकिन मुझे ये चीज रिफ्रेश लगी है, ये आपने नहीं कहा था, ये मुकाबले अलग लगी। मैंने बहुत समय से इस तरह की क्रिकेट देखी नहीं है पाकिस्तान, एक नया झोंका है ये जिसको आप बोलते हो यार ये क्वाइट रिफ्रेशिंग फॉर क्रिकेट। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं कह रहा हूं, क्रिकेट के लिए कह रहा हूं कि भाई जब आप इस तरीके से खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हो, तस्वीरें भी आप पीछे देख रहे हो, वो चीज एक नई चीज लगी है।